हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे धोरण 11। आज का विषय है आंकड़ा शास्त्र, चैप्टर नंबर 2, माहिती नो निरूपण। आज हम देखेंगे आलेख के बारे में। यह है स्वाध्याय 2.3 का पहला ही दाखला है, जिसके अंदर सवाल दिया है, कोई एक वर्ष दरमियान सरकार ना जुदा जुदा विभागों में कार्यकर्ता कर्मचारियों की संख्या नीचे मुजब तेने योग्य आकृति में दर्शाओ। यानी यहाँ पर हम लोग को कौन सा आलेख बनाना है उसके बारे में हमको कुछ बोला नहीं है, बल्कि सिर्फ इतना बोला है कि योग्य आकृति यानी कैसे भी करके तुम कोई भी आलेख बना सकते हो। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था आलेख बहुत सारे किस्म के होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग को एक आलेख बनाना है। उससे पहले मैंने यहाँ सवाल लिख कर रखा है कि जिस तरीके से सरकार ने यहाँ पर दिया है कि मार्ग परिवहन के अंदर तकरीबन कर्मचारियों की तादाद जो है 4000 है, रेलवे के अंदर 6000 तादाद है, आयकर विभाग के अंदर 3000 तादाद है और नाना खातों के अंदर 2500 की तादाद है, जबकि आयोजन पंच के अंदर 1500 की तादाद है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी होता है कि ग्राफ जब भी हम बनाते हैं, आलेख जब भी हम बनाते हैं, तो इसके अंदर दो ही चीज होती है, एक्स और वाई, और ये एक्स और वाई को जोड़ने वाला कौन होता है, ओ। यानी कि जिसके हिसाब से हम लोग बोलते हैं ओ वाई और ओ एक्स। यानी अब इसके अंदर देखना यह है कि ओ एक्स के ऊपर और ओ वाई के ऊपर क्या होता है। तो याद रखना बच्चों, इसके अंदर होता है कि जो ओ वाई के ऊपर होता है उसके अंदर कौन सी चीजें बताई जाती है। तो मैंने पहले के वीडियो में बताया था कि जिसके अंदर तेजी से, जल्दी से, अचानक से जो बदलाव आता है उसको हम लोग ओ वाई के ऊपर बता देंगे, और ओ एक्स के ऊपर क्या बताएंगे, जिसके अंदर कोई बदलाव जल्दी से आता नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया गया, जिसके लिए यहाँ पर लिखा है विगत, विगत यानी जिसको हमने धार दिया यहाँ पर एक्स, यानी कि इसके अंदर बदलाव नहीं आने वाला। मार्ग परिवहन रास्ता, यानी कि रास्ते के ऊपर जो काम करने वाले जितने भी कर्मचारी है, कर्मचारी बदलेंगे लेकिन रास्ता बदलने वाला नहीं। रेलवे, रेलवे की जगह रेलवे ही रहेगा, रेलवे बदलने वाला नहीं लेकिन कर्मचारी बदल जाएंगे जैसे हालात होंगे। उसी तरीके से आयकर, नाना खाता, आयोजन पंच, ये तमाम शोबे के अंदर जितने भी कर्मचारी, कर्मचारी बदलते हैं, शोबे बदलते नहीं है। तो इसको हमने एक्स द्वारा, इसके लिए इसको कहां पर लिखा हमने, ओ एक्स के ऊपर। तो पहले ही कह दिया कि जिसके अंदर बदलाव नहीं आता है उसको हम लोग ओ एक्स के ऊपर बताएंगे, और जिसके अंदर बदलाव आता है उसको हम बताएंगे ओ वाई के ऊपर। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है, मेरी जगह थोड़ी कम है इसके लिए सिर्फ नमूने के तौर पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था कि हमको जो ओ वाई के ऊपर जो रकम लिखनी है जिसके अंदर तेजी से बदलाव आ जाता है, तो इसका माप कौन सा रहेगा। तो सबसे पहली चीज कि हमारे पास यहाँ जो रकम तादाद जो है वो 4000, 6000, 3000, 2500, 1500 यानी हजारों तादाद के ऊपर की रकम है। तो हम लोग को कौन सी रकम लेनी है, 5 का डिस्टेंस, 10 का डिस्टेंस या 5-10 की तो बात है ही नहीं, बल्कि यहाँ सीधा 1000-1000 का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि 1000 के अंदर की बात की हुई है कि भाई शुरू की रकम जो है हमारी वो 1500 है और आखिरी रकम जो हमारे 6000 है। अरे तकरीबन इसका जो डिस्टेंस हमारे पास हुआ वो कितना हुआ, हमारे पास 4.5। तो इस हिसाब से हमारे पास जो डिस्टेंस हुआ 4500 का, तो इसके लिए 4500 को हम लोग को कन्वर्ट करना है, कवर करना है। इसके लिए हम लोग को यहाँ डिस्टेंस जो लेना है वह 1000-1000 का ले लेंगे, ताकि 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000 तक हम लोग पहुंच सके। तो डिस्टेंस हमने यहाँ पर 1000-1000 का लिया, मैंने पहले ही बोला था जिस तरीके की रकम होती है उस तरीके से हम उसका डिफरेंट भी लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज, मैंने इससे पहले ही बोला था कि जितना डिस्टेंस यहाँ होता है उतना डिस्टेंस यहाँ पर भी होता है। तो सबसे पहली चीज हम लोग को यहाँ बताया मार्ग परिवहन, यानी कि ये दो बॉक्स जो है, यानी हम जो बनाने वाले हो क्या है, स्तंभ वाले, यानी कि बंबू बनाएंगे, खंबा जिसको हम लोग आरंभ के जरिए बताएंगे। तो यहाँ पर बताया कि हमारे पास मार्ग परिवहन के अंदर कर्मचारियों की तादाद कितनी थी, 4000। तो मार्ग परिवर्तन के अंदर यानी कि सीधे हाथ की तरफ जाएंगे हम लोग, सीधे हाथ की पहली जो लाइन है वह और दूसरी जो लाइन है वह, इन दोनों को ध्यान में लेकर मार्ग परिवहन बताएंगे कितना, 4000 रुपए, यानी कि 4000। तो मार्ग परिवहन के हिसाब से 4000 का लेवल और पहली लाइन, इन दोनों को लेवल करना है, यानी रेलवे मार्ग परिवहन की जो पहली लाइन यहाँ पर है वो और 4000 की जो ये लाइन है, दोनों को आपस में एक दूसरे से जोड़ेंगे। फिर बाद में दूसरी लाइन जो इसके बाद में थी उसके साथ में इसको अपने जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारे पास एक स्तंभ।
और ये स्तंभ हम लोग कहेंगे कि ये जो स्तंभ बना किसका बना था, कि मार्ग परिवहन का बना हुआ है। उसी तरीके से उसके बाद हम लोग को बताया रेलवे, तो रेलवे के अंदर कितनी तादाद थी कर्मचारी की 6000। तो इसके बाद जिस तरीके से हमने जीरो के बाद की पहली रकम छोड़ी यहाँ पर, इसको ओ भी कह सकते हैं, जीरो भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आंकड़ों की बात की हो तो जीरो ले लेना है, लेकिन अगर आंकड़ों की बात नहीं की, एक्स और वाई की बात करते, यहाँ ओ लेना है। तो जिस तरीके से हमने इस लाइन के बयान की बात की, एक रकम छोड़ी थी, फिर बाद में हमने स्तंभ बनाया, उसी तरीके से इसके बाद की एक रकम हमको छोड़ देनी है, यानी कि ये गाला हमने खाली निकाला, उसी तरीके से ये गाला भी हमको खाली निकाला। तीसरे नंबर की लाइन और चौथे नंबर की लाइन को हमने आपस में लेना है, जिसके अंदर हम लोग को बता रेलवे के अंदर कर्मचारियों की तादाद कितनी थी, 6000। तो 6000 को और ये तीसरे नंबर की लाइन को आपस में जोड़ देना है। इसके बाद 6000 की लेवल कर हम लोग चौथे नंबर की लाइन को जोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा एक दूसरा स्तंभ बनेगा। उसके बाद आयतन के अंदर 3000 दिया, तो फिर से हम एक गैप छोड़कर 3000 तक जाएंगे यहाँ तक, फिर बाद में उसको भी जोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये 3000 हमारा लेवल हो गया। हम लोग इसके अंदर फुटपट्टी का यानी स्केल माप का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, मेरे हाथ से बनाना है, इसके मैंने अपना हाथ का इस्तेमाल किया, स्केल मैंने ली नहीं है, तुमको स्केल से बनाना। तो यहाँ पर अगर हो गया हमारा क्या, आयकर विभाग 3000 कर्मचारी, इसके बाद नाना खा दो 2500, तो 2500 कैसे बताएंगे, तो 2500 यानी कि 2000 3000 के बीच के अंदर आता है 2500, तो इनको आधा कर देना। तो इनका आधा करके हम लोग ये लाइन को आधा करके ले लेंगे यहाँ पर, फिर उसको बता देंगे कि हमारा। तो ग्राफ के अंदर हमारे पास ऑलरेडी पहले से बॉक्स दिए हुए होते हैं, और वही बॉक्स के अंदर हमको गिनती करनी है कि एक बॉक्स यानी कि उसके अंदर तकरीबन जो बॉक्स होते हैं, अगर हमारे पास 1000 का डिस्टेंस है तो वो एक बॉक्स, अगर 5 बॉक्स दिया हमारे पास तो एक बॉक्स को 200 का डिफरेंट मानना है। अगर हम लोग ने यहाँ डिफरेंट 1000 की जगह पर 1500 का लिया तो उसके हिसाब से हम लोग वहां पर ढाई के हिसाब से ले लेंगे। जैसे जैसे माप होगा उस तरीके से बॉक्स का भी माप हम लोग ले लेंगे। उसके बाद हम लोग इसी तरीके से आयोजन मंच का 1500 हम लोग बता देंगे, तो हमारा ग्राफ क्या हो गया, तैयार हो गया। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर बताना है कि तुमने एक्स यानी कि एक्स सपाट यानी कि जिसको एक्स अक्ष बोलते हैं, यानी एक्स के ऊपर हम क्या बताने वाले हैं। तो एक्स के ऊपर वो चीज आ गई तो जिसके अंदर तेजी से बदलाव आता नहीं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है विभाग। ये पहले नंबर का विभाग जिसको विद्युत के रूप में बताया था, तो एक्स के ऊपर विभाग आएगा, विभाग वही रहता है, उसके अंदर आने वाले आंकड़े बदलते हैं, विभाग बदलता नहीं है। जैसे विभाग किसको कहते हैं, भाई स्कूल एक विभाग है, स्कूल के अंदर टीचर्स, स्कूल के अंदर बच्चे बदल जाते हैं, विभाग के हिसाब से बदल करो तो क्लास हो जाती है, चाहे 10वीं की क्लास, 11वीं की क्लास, 12वीं की क्लास, ये 3 विभाग हुए। अब 10वीं के बच्चे 11वीं में आए, बच्चे बदल जाएंगे, लेकिन विभाग यानी कि वो जो नंबर दिया 10वीं का क्लास वो बदलने वाला नहीं है। तो ऐसी चीज को हम लोग एक्स के ऊपर बताएंगे, और जिसके अंदर तेजी से बदलाव आता है, जो बच्चे जो 10वीं में से निकलकर 11वीं में गए और 11वीं के बच्चे निकलकर 12वीं में गए, तो ये हमारी रकम हो गई कि इसके अंदर तब्दीली आई, जिसको हम लोग बताएंगे ओ वाई के ऊपर। तो इस तरीके से बहुत सारे आलेख है, हम लोग आलेख का इस्तेमाल करके इसी तरीके से गिनती करेंगे। तो क्या होगा कि हम लोग ने ऐसे भी 6ठी क्लास से हम लोग आलेख बनाते ही आए हैं, और आलेख हमें समझ में आते भी है, और इसको बनाने से हम लोग को सीधे सीधे मार्क्स लेने रहते हैं। तो हमको हमारे पास अगर कोई किताब है तो हम उसके अंदर भी देखें किस तरीके का आलेख है, अगर कोई आलेख समझ में नहीं आता तो हम इस तरीके से उसको बनाकर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर उसके अंदर नाम लिखा ही नहीं तो हम सीधा सादा आलेख बना सकते हैं, इस तरीके से सादे स्तंभ बना सकते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ऐसे तो हमारे पास ये आलेख के बाद दूसरा भी एक आलेख है, समांतर के हिसाब से, सर्कल के हिसाब से भी है, चित्राकृति आलेख भी है, रेखांकित आलेख, ऐसे बहुत से 6 तरीके के आलेख है। हम बारी बारी कर एक एक कर आपको बताएंगे।